ओके नेक्स्ट मैंने यहाँ पे क्वेश्चन टाइप कर दिया है, आइडेंटिफाई द पिक्चर। तो अब मुझे इस क्वेश्चन के लिए पिक्चर चाहिए, तो मैं इस पिक्चर आइकॉन पे क्लिक करूँगा और मैं गूगल से ही सर्च कर रहा हूँ कोई पिक्चर। सपोज मुझे मॉनिटर की पिक्चर चाहिए, मैंने मॉनिटर टाइप किया और ये सर्च कर रहा है। ये मॉनिटर पे क्लिक किया मैंने और ये इंसर्ट बटन पे क्लिक कर दिया, तो ये मॉनिटर की पिक्चर वहाँ पे आ जाएगी। ये मॉनिटर की पिक्चर आ चुकी है। अगर इसे आप छोटा करना चाहते हो क्लिक करके इस पिक्चर को छोटा भी कर सकते हो। ये छोटा हो चुका है और यहाँ पे बच्चे आंसर लिख देंगे। और यहाँ पे आंसर की मैं फिर से लिखूंगा, ये 1 मार्क का क्वेश्चन और करेक्ट आंसर यहाँ पे ऐड करेक्ट आंसर मॉनिटर और इसे कर दिया डन। तो इस तरह से आप पिक्चर भी ऐड कर सकते हो। एक मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन कैसे ऐड करते हैं मैं बताता हूँ आपको अभी। फिर से ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक कर दिया मैंने और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मैच द फॉलोइंग। अब यहाँ पर क्वेश्चन टाइप में लेना है आपने मल्टीपल चॉइस ग्रिड। ये देखिए मल्टीपल चॉइस ग्रिड ले लिया और रो 1 में आपने सपोज यहाँ पे टाइप कर दिया। मैंने लिखा यहाँ पर सपोज बनाना और रो 2 लिया मैंने यहाँ पर सपोज पोटैटो और यहाँ पे मैंने लिखा लोटस। तो कॉलम्स में आपने ऑप्शन देने हैं। सपोज यहाँ पर मैंने दिया फ्लावर वेजिटेबल और फ्रूट, तो ये 3 ऑप्शन दे दिए मैंने। अब इसकी भी आंसर की आपको तैयार करनी थी, आंसर की पे क्लिक किया तो इसके करेक्ट आंसर्स क्या देने हैं आपको। बनाना क्या हो सकता है, फ्लावर वेजिटेबल फ्रूट, तो ये फ्रूट होगा बनाना। तो इस पर ठीक, अगर ये सही होगा तो इसके लिए आप 1 मार्क दे रहे हो, 1 मार्क। हाँ पोटैटो क्या है, वेजिटेबल है, इस पर वेजिटेबल पे क्लिक कर दिया। लोटस क्या है, फ्लावर, तो ये करेक्ट आंसर हो गया उसके। और इनके पॉइंट्स दे दो 1 मार्क्स ईच और इसे कर दीजिए डन। तो इस तरह से मैंने कुछ क्वेश्चंस बना दिए हैं। अब इसके बाद आपने क्या करना है, अब ये लिंक स्टूडेंट तक पहुँचानी है। लिंक को स्टूडेंट तक पहुँचाने के लिए आपने क्या करना है, ये जो प्रीव्यू बटन है यहाँ से आप खुद देख सकते हो अभी कैसी एग्जाम बन चुकी है। ये देखो प्रीव्यू पे क्लिक करते ही नेक्स्ट टैब में ये प्रीव्यू बटन आ चुका है। तो इस तरह से बच्चों के सामने एग्जाम पेपर आपके आपका चला जाएगा। तो बच्चा पहले अपना नेम लिखेगा यहाँ पे और एक क्लास लिखेगा सपोज 6A और व्हाट इज कंप्यूटर। तो इस तरह से बच्चे अपना रिस्पॉन्स यहाँ पे दे देंगे, विच इज इनपुट डिवाइस, सपोज बच्चे ने मॉनिटर कर दिया, आइडेंटिफाई द टीचर। तो इस तरह से एग्जाम आएगा पूरा बच्चे के सामने और लास्ट में स्टूडेंट करेगा सबमिट पे क्लिक और इस तरह से मैसेज आएगा योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड। तो आप बच्चे का रिस्पॉन्स रिकॉर्ड हो चुका है। तो इस तरह से ये लिंक अभी बच्चों तक पहुँचाएंगे, कैसे पहुँचाएंगे तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है सेंड, तो सेंड वाया ईमेल, ईमेल से भी भेज सकते हो और या फिर आप लिंक भेज सकते हो। लिंक भेजने के लिए इस पर क्लिक करना है, लिंक पे शॉर्टन लिंक पे क्लिक करना है तो ये लिंक छोटा हो जाता है और इस लिंक को मैंने कॉपी किया। अब इसे आपको व्हाट्सएप पे भेजना है, तो व्हाट्सएप पे भेजने के लिए ये पहले आपके मोबाइल फ़ोन का जो व्हाट्सएप है वो आपको कंप्यूटर पर चलाना है। तो यहाँ पर नेक्स्ट टैब में मैं लिंक टाइप कर रहा हूँ व्हाट्सएप वेब, तो ये व्हाट्सएप वेब पे आपको अपना मोबाइल लिंक करना है और फिर वो आपका पूरा मोबाइल आपका वहाँ दिखाई देगा। ये व्हाट्सएप वेब मेरा पहले से ऑन था, अब मैं फिर से आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ कि कैसे कनेक्ट करना है। तो ये व्हाट्सएप वेब पे इस तरह का स्क्रीन आएगा, आपने अपने कंप्यूटर सॉरी मोबाइल फ़ोन के व्हाट्सएप पे जाना है। व्हाट्सएप में ऊपर जो 3 डॉट्स होते हैं उस पर क्लिक करना है और व्हाट्सएप वेब 3rd ऑप्शन आता है उस पर क्लिक करना है और ये QR कोड
ये जो क्यूआर कोड है वो अपने मोबाइल से स्कैन करना है। और स्कैन कर दिया मैंने, अभी तो मेरा पूरा व्हाट्सएप यहाँ पे दिखाई देगा। नेटवर्क थोड़ा स्लो होने के कारण यहाँ पे जल्दी नहीं हो पा रहा है। तो ये आ चुका है। अब मैं इसे ये 567 का एक ग्रुप है, इस पर क्लिक कर दिया है मैंने, और वो लिंक कॉपी जो की थी मैंने यहाँ पर, मैं इसे कर रहा हूँ पेस्ट और इसे कर रहा हूँ सेंड। तो जो 567 हैं उनके ग्रुप में ये लिंक चली गई है, और आप यहाँ पे लिख सकते हो क्लिक अबाउट लिंक, टेस्ट ऑफ कंप्यूटर सब्जेक्ट। तो बच्चे इस तरह से टेस्ट इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट उनके सामने ये फॉर्म खुल जाएगा और ये एग्जाम बच्चे दे सकते हैं। हाँ, तो ये फॉर्म बच्चे भरेंगे। सपोज मैं यहाँ पे एक्स वाई जेड लिख रहा हूँ, क्लास लिखा मैंने थर्ड बी, यहाँ पर आंसर दिया नहीं बच्चे ने शायद, सपोज ऐसा समझ लो, विच इज इनपुट डिवाइस कीबोर्ड, आइडेंटिफाई द पिक्चर मॉनिटर, और ये मैं कुछ ऐसे ही क्लिक कर रहा हूँ रिस्पॉन्सेस को, और ये सबमिट कर दिया। तो इस तरह से बच्चे ने एग्जाम दे दिया। अब इसका रिकॉर्ड आपके पास आएगा यहाँ पे गूगल फॉर्म में, फिर से आप जब लॉगिन करेंगे तब, ये जो स्क्रीन था तो यहाँ पे रिस्पॉन्सेस में आएगा। तो जो एग्जाम दिया है बच्चे ने अभी स्टूडेंट ने, मैंने दो बार दिया वो एग्जाम, तो टू रिस्पॉन्सेस आ चुके हैं यहाँ पर। आप इंडिविजुअल पे क्लिक करके एक एक का रिस्पॉन्स देख सकते हो। जब मैंने पहली बार एग्जाम दिया था तो देख लीजिए यहाँ पे नेम लिखा था मैंने सचिन, 6A लिखा था, और मैंने क्या क्या आंसर दिए थे देखिए यहाँ पर। ये कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन, यहाँ पर सिर्फ कंप्यूटर लिखा था इसलिए रॉन्ग दिखा रहा है, लेकिन आप मैनुअली चेक करोगे तो इसे मार्क्स दे देंगे। व्हाट इज इनपुट डिवाइस, तो ये मैंने मॉनिटर किया था तो रॉन्ग था ये कीबोर्ड, तो ये रॉन्ग आ चुका है। आपने मैनुअली चेक करके मार्क्स देने बच्चे को, करेक्ट आंसर कीबोर्ड, और यहाँ पे कुछ लिखा नहीं था तो ये भी आंसर नहीं आ रहा, और ये भी रॉन्ग, ये तो अप्लाई मतलब क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया था। तो ये फर्स्ट स्टूडेंट का रिस्पॉन्स है, और यहाँ पर मैं अगर टू पे क्लिक करता हूँ तो सेकेंड बार मैंने जो एग्ज़ाम दिया था उसका रिस्पॉन्स यहाँ पे आ जाएगा। जो मैंने एक्स वाई जेड नेम लिखा था, क्लास थर्ड भी लिखा था, और ये व्हाट इज़ कंप्यूटर का डेफिनेशन नहीं लिखा था, इनपुट डिवाइस का करेक्ट आंसर दिया था, ये टिक आ चुका है, आइडेंटिफाई द पिक्चर मॉनिटर, और ये सब इस तरह से। तो इस तरह से एग्ज़ाम में फॉर्म क्वेश्चन पेपर इस तरह से गूगल फॉर्म पे क्रिएट किया जाता है। और डाउट तो हो गए ही बहुत सारे, तो जो भी डाउट हो गए आप बिलाल सर से मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।